ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आई होप आप सभी लोग ठीक हैं स्वस्थ हैं सब बढ़िया चल रहा है झक्कास है सब कुछ और इसी पॉजिटिव uh, आशा के साथ इसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग मैं सच बताऊं तो मुझे इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं आप लोगों से इस रीडिंग को शेयर करूँ एंड फाइनली आप लोगों के पास आज की खूबसूरत सी रीडिंग आज हम बात करने वाले हैं वन 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 पोर्टल के बारे में यानी कि आज का दिन कौन सा है आज का दिन है या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके आसपास का दिन हो सकता है इलेवंथ ऑफ नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी कि एलेवन अलेवन पोर्टल इलेवन एलेवन पोर्टल <coughs> थोड़ा सा इसके बारे में आ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एलेवन एलेवन पोर्टल देखिए हर महीने डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हमारी लाइफ के अंदर आते हैं जो सिग्निफिकेंटली कुछ चीज़ों को जन्म देते हैं ठीक है जैसे कि वन वन पोर्टल नॉट ओनली न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है लेकिन वन वन पोर्टल वन वन पोर्टल की बात कर रही हूँ मैं जो एक जनवरी को आएगा आ, और बहुत सारे यू नो न्यू पॉजिटिव एनर्जेटिक अलाइनमेंट को भी हमारी जिंदगी में लाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें वन वन पोर्टल को भी हम साइड रखते हैं हम बात करते हैं अभी अपकमिंग ट्वेल्थ ट्वेल्थ पोर्टल की ट्वेल्थ ट्वेल्थ पोर्टल हमारी लाइफ में क्या लाता है कंप्लीसन लेकर आता है उन बहुत सारी चीज़ों की कंप्लीसन जो हमारी जिंदगी के अंदर अब मायने नहीं रखती मीनिंग नहीं रखती है बस ऐवे ही हम उसे ढो रहे हैं ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन अब अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पोर्टल मुझे ऐसा लगता है कि ये वन 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 पोर्टल होता है ऐसा क्यों वन वन पोर्टल ये जो है इलेवन एलेवन पोर्टल जो है ये आपकी ज़िंदगी के अंदर न्यू बिगनिंग्स तो लाता ही है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी लेकर आता है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत सारा न्यूनेस लेकर आता है दैट्स वाई एलेवन एलेवन पोर्टल सब पोर्टल से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये आपको अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें देता है फॉर एग्जाम्पल अचानक से है ना ये कुछ बहुत बेहतरीन भी हो सकता है ये कुछ बहुत नेगेटिव भी हो सकता है इट डिपेंड्स कि आपके कर्मास कैसे हैं और इट डिपेंड्स कि आपने किस लेवल पे किस तरीके से जाकर के मेहनत करी है तो इलेवन एलेवन पोर्टल सिग्निफिकेंटली बोलूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है और इसीलिए आज के इस पोर्टल की रीडिंग आप लोगों के लिए बट आज इस पोर्टल uh, की जो रीडिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होने वाली है बिकॉज आज जो चीज़ें आपको मिलेंगी इस पोर्टल के दौरान आपको जो चीज़ें मिलेंगी उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द ईयर जाने वाला है थ्रू आउट द ईयर मतलब नेक्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के इलेवन एलेवन पोर्टल तक राइट right? तो इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ठीक है इस पोर्टल की एनर्जीज अपकमिंग वन ईयर के साथ आज हम लोग देखने वाले हैं इलेवन पोर्टल आगे आने वाले एक साल के लिए यानी कि नेक्स्ट जब तक इलेवन इलेवन पोर्टल नहीं आ जाता है तब तक के लिए कि ये आपको क्या वो सारी चीज़ें देगा अनएक्सपेक्टेडली जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मायना क्रिएट करेगी और एंड तक आप लोगों को हैप्पीनेस देगी या फिर सौरव देगी और उससे आप क्या सीखेंगे क्या देखेंगे एंड यस yes, आज के दिन आपको कौन से रेमेडीज़ करनी चाहिए और कौन से काम आपको करने चाहिए वो भी मैं बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक के ऊपर जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है और सबसे बड़ी बात यह कि फ्रॉडों से थोड़ा सा फ्रॉडों से फ्रॉड से थोड़ा सा दूर रहिएगा अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि सामने से आपके पास किसी आ, अकाउंट की रिक्वेस्ट आ रही है जिसका नाम ट्रिपल वन है और उसके ऊपर ट्रिपल वन मेरी आवाज़ भी है तो समझ आएगा ये फ्रॉड है बिकॉज मैं आप लोगों को सामने से रिक्वेस्ट नहीं सेंड करूँगी ठीक है तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ऑलरेडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ नया और बेहतरीन आप लोगों की ज़िंदगी में ये इलेवन एलेवन पोर्टल लेकर आ रहा है यस yes! अब हम बात करते हैं फाइल सेलेक्शंस की फाइल सेलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये है फाइल नंबर वन और ये है फाइल नंबर टू फाइल नंबर वन में है हमारे पास कुछ लेटर्स और फाइल नंबर टू में भी है हमारे पास कुछ लेटर्स फाइल नंबर वन में हमारे पास ये लेटर्स हैं <coughs> D E F J K L P Q R V W X और Z ये लेटर्स हैं हमारे पास पायल नंबर वन में ठीक है और पायल नंबर टू में है हमारे पास A B C G H I M N O S T U and Y ओके okay? ओके, okay. तो अब आपने क्या करना है आपने अपना इनिशियल पिक करना है ठीक है अपना इनिशियल खुद का आपका जो इनिशियल है आपने वो पिक करना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल सुपर कुर पीपल आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में तो आज हम लोग देखने वाले हैं 11 11 फॉर uh, दिस वन ईयर यानी कि नेक्स्ट एलेवन एलेवन जब तक नहीं आ जाता तब तक आज का ये इलेवन एलेवन आप लोगों को क्या देगा जिससे आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरती के साथ चमकेगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग तो माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल ये है आप लोगों के लिए रीडिंग जिन लोगों ने पाइल नंबर वन को पिक किया है पाइल नंबर वन आप लोगों ने पिक किया है इसका मतलब आप लोगों का जो नाम इनिशियल है वो हो सकता है डी ई एफ J K L P Q R एंड V W X ठीक है इनमें से कोई आपका नाम हो सकता है या फिर उस इंसान का नाम हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग आज देखना चाह रहे हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मैं यहाँ रख देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा दिखता रहेगा है ना चेयर भी सरकाली मैंने चलिए अब शुरू करते हैं कार्ड्स के शफलिंग का सिलसिला सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एनर्जीज़ देखूंगी आ, वन वन पोट इस एलेवन एलेवन पोर्टल की वन वन पोर्टल तो आएगा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना बार 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 आ, उस पोर्टल की एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं अभी भी तो सबसे पहले कार्ड सारे के सारे निकालने से पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज चेक कर लेना चाहती हूँ कि इलेवन एलेवन पोर्टल वाले दिन आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो किस लेवल पे रहेंगी और क्या रहने वाली है ठीक है एंड ये वाइस वर्सा डेक है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये एग्जैक्ट बंदे की एनर्जी बता देता है तो चलिए देखते हैं भाई क्या एनर्जी आती है आप लोगों की ओके okay. तो सबसे पहली अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 11 वाले दिन यानी कि 11 नवंबर के दिन आप लोग सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा यू नो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके चलने वाले इंसानों की एनर्जी में रहने वाले हैं एकदम पैशनेट फायरी और अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं लाइक गौर से आप इस कार्ड को देखिए इस कार्ड की एनर्जी कितनी ज़्यादा वेल uh, मेंटेन well है या मैं ऐसा कहूँ कि इस कार की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से है ना और इसके हाथ में जो फ्लावर है अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खोई भी हैं और इसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग पा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ये अपने लिए नहीं कर रहा है अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कर रहा है तो आप लोगों की एनर्जीज़ भी कुछ इस कार्ड के जैसी रहने वाली है कि समहाओ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आप कर रहे हैं अपने लिए नहीं अपने आसपास के लोगों के लिए अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए आपने अपना क्राउन फेंक दिया है आपने अपने अस्तित्व को दाव पर लगा दिया है और आपने बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके आप आगे बढ़ गए हैं मतलब आगे बढ़ने की एनर्जी है अगर ये कार्ड ऐसे आता तो मैं कहती नहीं आप पीछे हट रहे हैं लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है दैट मीन्स कि सम्हाव आपने कुछ चीज़ों के बारे में ठान लिया है कि अब आपको आगे क्या करना है अब आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना है और किस तरीके से किस लेवल पे लेना है ठीक है दूसरी चीज़ या तो ये एनर्जीज अभी हो सकता है आप लोग जब रीडिंग देख रहे हैं तब भी आपके दिमाग में आपके दिल में आपके एनर्जी सर्कल में चल रही होगी या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेवन एलेवन की एनर्जी है ये आप लोगों के जीवन में फॉर श्योर sure, ग्यारह तारीख को देखने को मिल सकती है ठीक है आप लोगों को 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 देखने को मिल सकती नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूं वो है सेवन ऑफ बॉर्न का कार्ड जो अपना एनर्जेटिक अलाइनमेंट मेरी तरफ भेज रहा है बहुत स्ट्रांगली सेवन ऑफ बॉर्न यानी कि एक ऐसा कार्ड जो कि दिखाता है कि बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की एनर्जी में है बंदा बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करने की एनर्जी में बहुत कुछ करना चाह रहा है बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कुल मिलाकर के और उसे फिर भी है ना कुछ चीज़ों के अंदर हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है कुछ चीज़ों के अंदर उसको ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है ठीक है स्टिल वो लगा हुआ है काम के अंदर फोर ऑफ वान्स का कार्ड है मुझे ऐसा लगता है इलेवन एलेवन वाले दिन आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेंगी जैसे कि घर परिवार के साथ सपोर्टिव एनर्जी में रहना घर परिवार के साथ एंजॉय करना हैप्पी एनर्जेटिक अलाइनमेंट के अंदर टू ऑफ कप्स अपने किसी लव्ड वन के साथ किसी घूमने वाली जगह पे जाना या फिर अपने किसी लव वन को याद करके स्ट्रगल महसूस करना ठीक है तो एलेवन एलेवन वाले दिन आप लोगों की एनर्जीज़ तो ऐसी रहने वाली है जहाँ पर आप पैशनेट भी हो आगे बढ़ना भी चाह रहे हो अपने प्यार को याद करके स्ट्रगल फील करते हो या फिर अपने प्यार के साथ लवेबल एनर्जी स्पेंड टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो अपने घर परिवार के साथ खुशी खुशी एक जैसे कहते हैं ना एक खुश एनर्जी के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हो है ना इस तरीके की आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है नाउ लेट मी चेक गाइस कि ये जो इलेवन इलेवन पोर्टल है आप लोगों की जिंदगी के अंदर कौन से ब्यूटिफुल चेंजेस या किस तरीके के बदलाव लेकर आ सकता है ये देखो बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं ये बदलाव बुरे भी हो सकते हैं क्योंकि अच्छा बुरा तो हमें लगता है है ना हम उस चीज़ के पीछे का रीज़न थोड़ी पता लगा पाते हैं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा किसी ऐसे इंसान के साथ ब्रेकअप हो जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन आगे चल के हमें पता लगता है कि वो बंदा कितना बड़ा दूर था <laughs> तो इस चीज़ को हम लोग स्टार्टिंग में तो बुरा ही मानेंगे ना लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी ओके तो वही चीज मैं यहां पे देख रही हूं आप लोगों के लिए पायल नंबर वन पीपल द फूल सेवन ऑफ सो टू ऑफ वॉन्स द फाइव ऑफ वैंगमैन दर्ल्ड द स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डे एक एम्पर का कार्ड है जो कि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है मैं सच बोलूं तो बहुत बहुत अच्छी अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि एलेवन अलेवन पोर्टल पर आप लोगों को अनएक्सपेक्टेडली क्या मिल सकता है तो सबसे पहले मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊंगी भाई मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है ऐसा हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल पे निकल जाए ठीक है अपने परिवार जन के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ आप ट्रैवल पर चले जाएँ या फिर आप लोगों के योग बन जाए ट्रैवलिंग के ठीक है उस दिन आपके पास में ऐसा कोई काम आए या ऐसी कोई आपके पास टाइमिंग बैठे कि आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाए कि चलो हम इस तरीके से कर लेते हैं और हम कहीं घूमने चलते हैं ठीक है टू ऑफ बॉइंस आप अपने है ना अपने मन में चल रहे बहुत समय से एक भवर को रिलीज करके ट्रैवल के ऊपर निकल सकते हैं ठीक है ट्रैवलिंग एनर्जीज हैं ट्रैवल आप लोग बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक का है नेक्स्ट चीज वर्ल्ड का कार्ड है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं लाइक अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मुझे वहां पे आप लोगों का जो इस्तकबाल है वो और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मोर ओवर आप में से कुछ लोग जो अगर जाना चाह जा रहे हैं अब्रॉड जाना चाह जा रहे हैं सोच रहे हैं जाने का या उनके दिमाग में है बट अभी कैसे जाएँ क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है गैस आप लोगों के वहां के रस्ते भी खुल रहे हैं ठीक है थीके? दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ एक तरीके की प्लानिंग आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है एक तरीके का प्रॉपर स्कड्यूल बनने वाला है जिसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज uh, कर पाएंगे आप अपने आप को क्लैरिटी के साथ होपफुल एनर्जीज के साथ आगे बढ़ा पाएंगे आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी आप हर चीज़ से अपना यू uh, नो you know, वो पोटेंशियल होता है ना बंदे के अंदर उस वाली एनर्जी में आ जाएंगे और सबसे बढ़िया बात जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई एकदम ताकत के साथ अब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके अंदर दिमाग तो होता है लेकिन उनके अंदर उतनी नॉलेज नहीं होती है ठीक है ख़ूबसूरत होते हैं ब्यूटी विदाउट ब्रेन वाली बात तो आप लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि आप बहुत ही ख़ूबसूरती के साथ अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं तो क्या चीज़ें स्ट्रॉगली आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों की ज़िंदगी में इस 1111 -11 पोर्टल के दिन आने वाली है स्टेबिलिटी आ, मनी करियर अबेंडेंस को लेके स्टेबिलिटी दूसरी चीज़ आप लोगों की जिंदगी में आने वाली है बहुत ही खूबसूरत हैप्पी गो लकी कॉन्फिडेंट की एनर्जी ठीक है कॉन्फिडेंस की एनर्जी प्लानिंग आ रहा है एंड ट्रैवल आ रहा है बहुत स्ट्रांग <coughs> ट्रू लव ट्रू लव की भी एंट्री हो सकती है फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो सकती है फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है पाइल नंबर वन पीपल ट्रू लव मिल सकता है फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आ सकती है एंड फैमिली का सपोर्ट एंड गाइडेंस मिल सकता है अब एक चीज और मैं बताऊंगी कि इस दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैंड फील हो सकता है ठीक है और क्योंकि आप पुराने दिनों को याद कर रहे हैं तो किसी के साथ झड़प या किसी तरीके की लड़ाई या ओवर थिंकिंग भी हो सकती है मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी कि ओवर थिंकिंग से और ओवर फ्लक्चुएट होने की एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप बचेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ना वो चीज़ें फिर अच्छी चीज़ें फिर आपकी ख़राब हो जाएंगी क्या मतलब है तो आप लोगों के लिए है कि कौन सी चीजें आपको डेफिनेटली इलेवन इलेवन पोर्टल पर मिल करके ही रहेंगी वो है लव फ्यूचर स्पाउस फैमिली की गाइडेंस होप कॉन्फिडेंस ट्रैवल और स्ट्रेंथ एंड अब्रॉड का सेटलमेंट या फिर मैं कहूं स्टेबिलिटी ठीक है अब हम देखेंगे इन चीजों की वजह से मुझे बुरी चीज तो सिर्फ यहां पे एक लड़ाई झगड़ा मार पिटाई <laughs> और पास की कुछ तो चीजों के अंदर आपका क्लेम करना ही नजर आया अब हम बात करेंगे कि अभी से ठीक एक साल बाद जब तक आपका नेक्स्ट इलेवन अलेवन पोर्टल नहीं आएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाला तब तक क्या रहेगा सीन ठीक है इन सारी चीजों के साथ फ्रेंडलीनेस इंटेंसिटी पोस्टपोनमेंट साइलेंस बॉटम ऑफ द डेक द कॉन्शियसनेस पहली चीज़ तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों का जो स्पिरिचुअल स्तर है ना वो इतना स्ट्रांगली बढ़ जाएगा कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का सौरव या किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पास्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी जो मुझसे छिन गई या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हंड्रेड परसेंट मेरी लाइफ में हो नहीं पाई या बार 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 डिले होती रही ठीक है सबसे अच्छी चीज़ मेरे को सब सबसे पहले और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये लगी सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ वो है आप लोगों का हाई इंटेंसिटी में आ जाना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हाई पिक्ड पॉजिटिव इंटेंसिटी के अंदर आ जाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही कोजी हैप्पी और फ्रेंडलीनेस के साथ बिता रहे होंगे आपके हो सकता है कुछ अच्छे खूबसूरत फ्रेंड बन जाए या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस जो हो वही आपका एक सच्चा पॉजिटिव अच्छा दोस्त निकले ठीक है उनके साथ आपकी जो हैप्पी uh, एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करें उनके साथ में ठीक है तो हाई इंटेंसिटीज़ के साथ हैप्पी एनर्जीज़ में खुश होते हुए मन में किसी भी तरीके का गिल्ट ना लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग इस थ्रू आउट द ईयर ठीक है <coughs> अब मैं आप लोगों के लिए ये देखूंगी कि आपके डिवाइन एक्सप्रिट गाइड्स जो है वो आपको क्या कहते हैं इस चीज पे वो कहते हैं नाउ इज लकी टाइम अब मैं इसके अलावा और क्या निकालू रैबिट की स्पिरिट है यहां पर एंड आपको बोला जा रहा है देख सकते हैं आप कितना प्यारा कार्ड आया नाउ इज़ अ लकी टाइम तो फाइव नंबर वन पीपल अगर आप लोगों को काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो हो नहीं रही है सही समय नहीं चल रहा है तो एलेवेन एलेवन पोर्टल आप लोगों को कह रहा है कि अब सही समय आ गया है ठीक है तो कमर कस लीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए रिक्लेम योर पावर आज के दिन फोर्टी फोर नंबर कार्ड अपनी पावर को रिक्लेम करें रेमेडी बताऊंगी इसके लिए कैसे कर सकते हैं आपने क्या करना है जस्ट टेक अ वाइट कैंडल इन फ्रंट ऑफ यू आपने ज़मीन पर बैठना है बिना किसी आसन के नॉर्मली आप ज़मीन पर बैठ गए और आपने वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने हैं या फिर डार्क रेड कलर के क्लोथ्स पहनने हैं अगर आपको अपनी लव uh, लाइफ के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक करनी है तो आपने क्या करना है रेड या फिर पिंक कलर के कपड़े पहनने आराम से बैठना है एंड आपने क्या करना है कभी भी कर सकते हो आप थ्रू आउट द डे कभी भी कर सकते हो रात को करोगे तो ज़्यादा बेहतर है बैठ गए और उस कैंडल uh, को आपने जलाया ठीक है अपने सामने रखा फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है आ, ऐसे देखते हैं ये कैंडल है ठीक है इसको एकदम अपने सामने ऐसे रखा दोनों हाथों से पकड़ा और हैप्पी एनर्जीज के बारे में सोचा आंख बंद करके फील किया कैंडल uh, की वॉर्म को फील किया ठीक है हाथ मत जला लेना वार्म को फील किया और उस समय को याद किया ठीक है जब आप अपने लव्ड वन के साथ हैं हैप्पी एनर्जीज़ को याद किया या फिर अगर अभी तक आप सिंगल हैं और किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी कैंडल को पकड़ के आपने फ्यूचर के बारे में क्या इंसिडेंट को फ़ील करना है विजुअलाइज करना है अपने फाइव सेंसेस से ठीक है नाव आपने क्या करना है कैंडल को आपने फिर इस तरीके से ऐसे साइड में रख देना है हाथों को ऐसे जोड़ना है मैं जैसे बता रही हूँ वैसे फिंगर टू फिंगर पॉइंट टू पॉइंट इसे एक मुद्रा कहते हैं ठीक है थेके? ये एक मुद्रा है आपने ऐसे इसको पिक किया और फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करी प्रार्थना करने के बाद आपने अपनी आंखों को खोलना है कैंडल को बुझा देना है कैंडल को रख देना है और फिर इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है अगर लवेबल अगेन मैं बता रही हूँ अगर लव एनर्जीज ठीक करनी है रिक्लेम योर पावर के लिए बोल रही हूँ मैं अगर रिक्लेम करना है आपको अपना लव लाइफ पॉजिटिव लव लाइफ वेयर रेड और पिंक पिंक मैं ज़्यादा बोलूँगी और अगर आप लोगों को करियर uh, से रिलेटेड चीज़ें करनी है मैनिफेस्ट रिक्लेम करनी है तो वेयर ग्रीन कलर ओनली काला रंग आज के दिन पहनना ही नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखना आपने ठीक है अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेज हैं जो डिवाइन आपको देना चाहती है ओके okay. फायरी क्लाइमेक्स देर फायरी क्लाइमेक्स अगर आपको ऐसा लगता है ना आपकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं है ये नहीं है वो नहीं है फलाना ढिमकाना प्रिपेयर हो जाओ क्लाइमेक्स <coughs> आ रहा है जी ये क्लाइमेक्स लव लाइफ में हो सकता है करियर में हो सकता है कहीं भी हो सकता है लेकिन हाँ डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्स होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होपफुल एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे यूनिकॉर्न मैसेज अनकोड रिलेशनशिप लेट गो नाउ फॉरगिवनेस इज फ्रीडम आपको एक चीज़ और सलाह दी जा रही है आज के दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप है या कोई भी रिश्ता है ये रिश्ता जरूरी नहीं है कि प्यार वाला ही हो मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला ही हो कोई सा भी रिश्ता जो आपको ऐसा लगे कि यार इसको छोड़ो यार अब साइड करने की बहुत ज़रूरत है उसे साइड कर दें हाथ जोड़ ले उसको फॉरगिव करें और जाने दें इस एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है ठीक है नाउ लेत्सीके सो चार चार्ज हमारे पास यहां पर आए हैं <clears throat> पहला आया है द ब्यूटफुल स्टेबिलिटी का सिंबल दूसरा आया है अगेन यूनिकॉर्न दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स तीसरा आया है म्यूजिक पीस एंड सबसे खूबसूरत एंड माई फेवरेट द बटरफ्लाई न्यू बिगनिंग्स सो न्यू बिगनिंग्स आ गई आपकी ज़िंदगी में इस एलेवन एलेवन पोर्टल से रिक्लेम करिए अपनी पावर को जो रेमेडी मैंने बताई है उस रेमेडी से ओके सो पाइल नंबर वन पीपल खुश तो बहुत है आप होना <laughs> भी चाहिए आज के दिन खुश नहीं होंगे तो कब होंगे सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आई अपना अपना ख्याल रखिएगा <laughs> जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली And uh, happy, beautiful eleven eleven portal. Hi to all my beautiful pile number two people. Kaise hai? Aap sab log, aap sabhi ko bahut wala welcome hai, guys. Aaj ki scoop सुरक्षित reading के अंदर eleven eleven portal. Yes. आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी इलेवन इलेवन पोर्टल मैं सही बोलू तो मुझे दिवाली की खुशी कम है और पोर्टल की खुशी बहुत ज्यादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इलेवन इलेवन पोर्टल से मोर ओवर अभी से ठीक एक साल बाद आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस इलेवन पोर्टल की वजह से एंड आप लोग किस किस अलाइनमेंट में रहेंगे लास्ट में हम लोग चार्म भी देखेंगे ठीक है तो मैं ब्यूटिफुल पीपल पाइल नंबर टू ए बी सी जी एच आई एम एन ओ एस टी यू एन वाई आप लोगों ने पिक किया है ओके चलिए शुरू करते हैं या तो आपके नाम का पहला अक्षर ये है या फिर आपने आ, किसी पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर है ये है ना चलिए स्टार्ट करते हैं आप तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी ड्यूरिंग दिस पोर्टल चलो स्टार्ट करें स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जो मुझे नज़र आनी चाहिए नहीं बट आ रही है तो आ रही है भाई सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे हमारे पास द टावर और ये कार्ड जो मुझे एनर्जी फील करा रहा है वो है कि दिमाग में किसी तरीके का जैसे कि किसी तरीके का यू नो बर्डन सा चल रहा है ठीक है दिमाग में किसी चीज़ की टिक टिक बाजी चल रही है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस कार्ड के हिसाब से दिमाग में किसी तरीके की टिक टिक बाजी चल रही है और वो जो टिक टिक बाजी है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है आप किसी चीज़ को लेकर के ना या तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर सकते हैं या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इस दिन आ, किसी चीज़ को लेकर के यू you नो know, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना इरिटेट हो जाता है बंदा है ना उस वाली एनर्जी में जा सकते हैं ठीक है नाइन ऑफ बॉइंस का कार्ड है कुछ चीज़ों को लेकर के अनडिसाइडेड रह सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपका पास्ट आपको अपनी तरफ खींचे और आपका फ्यूचर आपको अपनी तरफ खींचे तो इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रहें और आपको ऐसा लगे भाई क्या सही है मेरे लिए और क्या मेरे लिए बेहतरीन हो सकता है क्या डिसीजन मेरे लिए सही हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे ठीक है आप लोग इस लेवल पर और इस लेवल ऑफ एनर्जी में भी रह सकते हैं कुछ लोग मुझे Uh, यहाँ पर एक बहुत ही यू नो गाइस जस्ट गिव मी गिव मी अ मिनट आई थिंक ये कैंडल ना uh, नीचे वैक्स को गिरा देगी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग नाउ आई थिंक इट्स फाइन इसलिए मैंने ये ग्लास छोटा सा इसके नीचे ऐसे रख देती हूँ मैं ताकि ये फैले ना ओके okay, हाँ तो हम कहाँ थे इलेवन एलेवन पोर्टल के आप लोगों के एनर्जी सेगमेंट्स पर तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए विद ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इनफैक्ट कि जैसे भगवान आपका ध्यान किसी और चीज़ में केंद्रित करने की कोशिश करेंगे और आपका ध्यान कहीं और लगा रहेगा ठीक है ठीके? एंड एक चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आ रही है या तो इलेवन एलेवन पोर्टल से आपकी लाइफ आपकी लाइफ के अंदर किसी तरीके की जीत होगी या फिर इलेवन एलेवन पोर्टल से पहले आपकी लाइफ में किसी तरीके की विक्ट्री आएगी ये जॉब का कोई इंक्रीमेंट या बोनस या किसी तरीके का कोई शिफ्ट हो सकता है आ, करियर के अंदर या बिजनेस के अंदर किसी तरीके का कोई अप पॉज़िटिव अपब्रिंगिंग हो सकती है अच्छे क्लाइंट्स हो सकते हैं या किसी तरीके का कोई प्रॉफिट uh, है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुश वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं लेकिन अनडिसाइडेड रहेंगे फॉर श्योर आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कि यार ऐसे 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 फलाना टमकाना और पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा uh, लटकने वाली सी एनर्जी में रह सकते हैं पाइल नंबर Two people. Now let's see what divine is giving you on this 11-11 portal. ये कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है ये कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकता है तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को दोनों ही चीजों के लिए बट जो भी आएगा आई विल टेल यू गाइज अच्छे तरीके से रेमिडीज भी बताऊंगी मैं ठीक है सो रोट बारी द लवर्स हैंगमैन वैसे कुछ भी कहो प्यार में ना हर किसी के नेगेटिविटी लगी रहती है ना कुछ ना कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हर किसी की लव लाइफ में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है टेन ऑफ कप्स एट ऑफ सो क्वीन ऑफ सो द टावर उफ थ्री ऑफ सो बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल्स चलो जी बताती हूँ <laughs> नहीं कोई बात नहीं मैं बताऊंगी आपको और आप क्या कर सकते हो तो कार्ड देख के घबराना नहीं है पहले सुनना है जिन्होंने भी पाइल नंबर टू को पिक किया है यानी जिन लोगों के भी इनिशियल्स ये हैं जो हो सकता है आप लोगों को थोड़े बहुत दिख रहे हो पाइल नंबर टू के ग्रुप वाले लोग हैं आप सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर रही हूँ किसी तरीके की बिजुरिया का गिर जाना किसी तरीके की बिजली गिर जाना ठीक है किसी का या तो किसी तरीके का नेगेटिव सच या किसी तरीके का कोई बहुत ही बुरा साब का कोई ख्वाब हो सकता है जो पूरा हो सकता है पाई नंबर टू पीपल इसकी वजह से आप और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और हार्ट ब्रेक की एनर्जी में जा सकते हैं जैसे कि दिल का टूट जाना दिल का बिखर जाना ओके okay, ऐसी वाली एनर्जी जहाँ पर आपको खुशी नहीं है आपको संपन्नता नहीं है और आ, आपके लिए एकदम तो अनएक्सपेक्टेड है कि अरे ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे हो सकता है इसने मेरे साथ ऐसा किया रे रियली मतलब लिटरली सीरियसली वो वाली बात मुझे फील हो रही है एक चीज़ और मैं देख रही हूँ टावर का कार्ड है ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट की एनर्जीज़ आ रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जो कि अनएक्सपेक्टेड अनबियरेबल रहा ये एक ऐसा पेन था जिसकी वजह से आपको लगा कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है टोटली एकदम वेस्ट ऑफ़ एनर्जीज हैं और फिर आपने अपने ऊपर फोकस किया अपने करियर के ऊपर फोकस किया एंड फाइनली यू आर मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट नेगेटिव पास्ट ठीक है तो कुछ लोगों के लिए आगे आने वाला ये कल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है बीता हुआ कल हो बिकॉज जनरल रीडिंग है मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होगी किससे नहीं होगी नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करना बंद कर देंगे इलेवन इलेवन पोर्टल आप लोगों को आजादी देने वाला है एंड आप लोगों को पिक करने का चूज करने का पूरा मौका मिलने वाला है मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कि अपने हिसाब से अपने अलाइनमेंट में अपने तरीके से चीजों को पिक करने वाले हैं चूज करने वाले हैं ऐसे बहुत कम लोगों को मिलता है चांस कि उनके पास में दो तीन ऑप्शन है और वो उसमें से किसी चीज़ को ले रहे हैं सिक्स ऑफ पार्टिकल्स इक्वल गिवन टेक मिल सकता है एंड आपके पास इतना पैसा या इतनी संपन्नता आ सकती है इलेवन अलेवन पोर्टल की वजह से कि आप चैरिटी करना स्टार्ट कर दें ठीक है एंड किसी तरीके का ट्रू लव आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग और हैप्पी अंदाज के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास्ट भी आ जाए और प्रेजेंट कोई अच्छा सा बंदा भी आ जाए या बंदी आ जाए और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाए ठीक है घर में शांति का माहौल और बहुत सारी गुडनेस एंड बहुत सारी हैप्पी प्लेफुल एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं जो मदर बनना चाह रहे हैं उन लोगों को बेबीज़ हो सकते हैं और जो फादर बनना चाहते हैं उनको भी हो सकते हैं मोर ओवर स्टेबिलिटी तरक्की और ढेर सारा स्नेह भी मैं देख रही हूँ ट्रैवल मुझे नहीं नजर आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द पायल नंबर टू पीपल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक जगह लक्के खड़े होकर के ढेर सारी मेहनत करना और अपने आप को प्रूव करना संभाओ कि आप क्या हैं और आप कितना डिजर्व करते हैं और आप कितना देख सकते हैं कितना ले सकते हैं ठीक है वो वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे ट्रू लव इक्वल गिवन टेक मनी अबेंडेंस स्टेबिलिटी जिसकी वजह से चैरिटी और किसी तरीके का हार्ट ब्रेक नजर आ रहा है ठीक है सोल में ट्विन फ्लेम आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाले हैं या हो चुके हैं जिनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट आ सकते हैं आप लोगों की जिंदगी में एंड एक लवेबल हैप्पी पार्टनर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर टू पीपल अगर आप लोगों ने हमेशा अपने जिंदगी में प्यार को लेके रिश्तों को लेकर के समझौते किए हैं हमेशा तो मैं बोलूंगी कि एक विश फुलफिलमेंट आप लोगों की जिंदगी में आ रही है या मैं ऐसा भी कहूंगी कि आपके पास में कोई चॉइस आ रही है जिस चॉइस को पकड़ के आप कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी से ठीक नेक्स्ट इलेवन इलेवन पोर्टल यानी कि 2024 के इलेवन इलेवन पोर्टल तक आप कौन सी एनर्जीज के अंदर खुशी खुशी रहने वाले हैं दुखी दुखी रहने वाले हैं या क्या होने वाला है ठीक है तो सबसे पहली बात द फूल कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैप्पी ऊर्जाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और अपने आप को लकी समझते हुए बहुत ही ज़्यादा मेच्योर एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट वन ईयर आप अपने आप को स्टेबल हैप्पी काम महसूस करेंगे और कंप्लीट फील करेंगे तो मुझे एक भी चीज़ यहाँ पर नेगेटिव नज़र नहीं आई फॉर द पाइल नंबर टू पीपल एक भी चीज़ मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आई बस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप हर बुरी चीज़ हर बुरा पास सब चीज़ों को टाटा बाय बाय बोल के आगे बढ़ने वाली एनर्जी में चले जाएंगे विद दिस फूल कार्ड मेच्योर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आप इनफैक्ट अपने आप को कंपेयर करके भी देखेंगे कि पास्ट में मैं ऐसी थी और अभी मैं ऐसी हूँ एंड फ्लावरिंग का कार्ड है जो मुझे और स्ट्रांग ऊर्जा दे रहा है कि आप अपने आप को स्टेबल प्रूव करेंगे आप अपने आप को हंड्रेड परसेंट अलाइन प्रूव करेंगे आप अपने आप को ऐसा महसूस करा देंगे लोगों के सामने जैसे वो कार्ड नहीं आता शो द वर्ल्ड रियल यू बस वही और कंप्लीशन की एनर्जी में रहेंगे मुझे यहाँ पे एक भी चीज नेगेटिव फील नहीं हो रही है एक भी चीज बस आपको थोड़ा अपने पास से बाहर निकलना है ठीक है नाउलेट्स यू वोट डिवाइन एक्सप्रिट वॉन्ट्स टू गाइड यू ब्रिंग अ जेंटल टच अपनी जिंदगी के अंदर एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ थोड़ा सा भरोसा करना शुरू करें और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें क्लेम योर इंडिपेंडेंस आज एक काम कर सकते हो क्लेम का वर्ड आया है यहाँ पर इसलिए बोलूंगे जस्ट टेक अ क्लोव एक क्लोव एक बेलीव यानी तेज पत्ता और एक कपूर इन तीनों को एक उसके अंदर मैंने कल आप लोगों से एक रेमेडी भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मेरे साथ वहाँ पे कनेक्टेड हैं इस तरीके का एश ले लेना ये उसी के ऐश रखे हुए हैं अभी भी तो आपने क्या करना है एक क्लोव एक तेज पत्ता यानी कि बेलीफ और एक कपूर ले करके उसको अच्छे से जलाना है ठीक है घर से बाहर ठीक है जलाना है उसको और उसका जो भी ऐश निकलेगा ना उसको हवा में उड़ा देना है इस एनर्जी के साथ दैट आई एम यू नो रिक्लेमिंग माय पॉजिटिव इंडिपेंडेंस आप ऐसा करके देखो मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से आज़ाद होना चाह रहे हैं या अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं हर तरीके से इमोशंस में फाइनेसिस में हर तरीके से आप हो जाएंगे कैचपरिट का कार्ड है ठीक है अब देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइसेस क्या है लेट्स सी Advises for फॉर माई ब्यूटिफुल नंबर टू पीपल एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है भाई लोगों और आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं वो एक रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं एक सही उम्दा एनर्जी में जा रहे हैं लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत है ये भी आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे ठीक है यहाँ से क्या आया है देखो तो कॉस्मिक रेनबो लुक फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड एंड एक्सेप्ट जॉय वाओ सो ब्यूटिफुल आप लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रोंग कार्ड आया है कि कॉस्मिक पॉजिटिव रेनबो इज़ देय फॉर यू गाइज एक्सेप्ट करें उसकी पावर को एक्सेप्ट करें उसकी एनर्जी को और आगे बढ़ने की कोशिश करें आज के दिन आप एक काम और कर सकते हैं एक रेनबो का पैटर्न ड्रॉ कीजिए या फिर एक रेनबो की फ़ोटो ले आइए या निकलवा लीजिए उसको अपने बेडरूम में लगा लीजिए ठीक है चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं आप उसको अपने बेडरूम में लगा लीजिए और उसको देखते देखते आपने क्या करना है दोपहर में सोना है या आपने मेडिटेट करना है ठीक है आंखें खुली वाला मेडिटेशन कर सकते हैं रात को सोने से पहले उसको देखते देखते सो सकते हैं ठीक है उस पर्टिकुलर रेनबो की फोटो को ऐसा आप लोग कीजिए गाइस पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आया ये कोई रेमेडी नहीं है बट मेरे अंदर से आई ये चीज़ तो आप इसे कर सकते हैं ठीक है नाव लेट मी टेल यू गाइस क्या चांस आते हैं वाह wow. <coughs> तो आप लोगों के लिए क्या क्या आया है सबसे पहले आया है एलिफेंट दैट मीन्स मनी स्टेबिलिटी उसके बाद आई है फैरी एंजल ठीक है एंजल वॉचिंग ओवर मी यानी कि भगवान जी एंजल्स जो हैं आपको देख रहे हैं आपके प्यार में खूबसूरती आ सकती है ठीक है और न्यू बिगनिंग्स तो खैर आ ही रही हैं विद दिस ब्यूटिफुल यूनिकॉर्न और आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए नेगेटिव सोचने से बहुत ज़रूरी तो है आप लोगों के लिए ठीक है तो आई थिंक मैंने आपको सारी की सारी गाइडेंस भी दे दी हैं सारी चीज़ें भी बता दी हैं अच्छे तरीके से बस आपने होपफुल रहना है खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है और ये रेमेडी ज़रूर करनी है तो मैं ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल फी रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आई पे या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोगों से ज़रा सा थोड़ा सा बच के रहिएगा इसलिए मैंने इंस्टाग्राम का जो सही लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार